दोस्तों आप जो ये मोटर देख रहे हैं ये किलोस्कर कंपनी का मोटर है। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको किलोस्कर KDS मॉडल नंबर 213 के का वाइंडिंग डाटा वगैरह बतलाए थे, लेकिन आज दोस्तों ये किलोस्कर KDS लेकिन दोस्तों आज हम आपको किलोस्कर का KDS मॉडल नंबर 212N का वाइंडिंग डाटा और साथ में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है सारा कुछ सिखाऊं। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। अभी हम इसका दोनों वायरिंग चेंज करेंगे, आगे का और पीछे का आप देख सकते हैं। और इसका बुरा हाल है रोटर का, क्योंकि इसको कई मिस्त्री ने वाइंडिंग किया लेकिन नहीं चल पाया, लेकिन आज हम इसको वाइंडिंग करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, हमने इसका पंप वाले हिस्सा खोल करके अलग कर दिए हैं, जिसपे ये अजीत बैठा हुआ है, बड़ी मस्ती से बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों साथ में मैं बतला दूं कि यही अजीत है, लेकिन इसका एक खूबी हमको बहुत पसंद आता है, ये लंबे लंबे पैंट पहनता है। इसका पैंट को पहनने का एक अजब तरीका है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका एम्पेलर को उतारेंगे, और एम्पेलर उतारने के बाद इसका हम वायरिंग वगैरह चेंज करेंगे। आपके जानकारी के लिए पुनः एक बार मैं बता दूँ, यह किलोस्कर का KDS मॉडल नंबर 212N है, और साथ में इसका वाइंडिंग डाटा भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका वाइंडिंग करके हम रखे हुए हैं, वह भी आपको दिखलाएंगे। तो चलिए अब इसका एम्पेलर पहले हम निकालते हैं, फिर जाकर के वायरिंग चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें दोनों वायरिंग चेंज किए हुए हैं, आप आगे देख लीजिए, एकदम न्यू वायरिंग है, SCH का 6205 वायरिंग लगाए हुए हैं। और पीछे आप देख लीजिए, पीछे आप देख लीजिए, चार वायरिंग लगाए हुए हैं, 6204 लगा हुआ है। और साथ में इसका वायर सील यानी कि वाटर सील वगैरह भी हम बदल चुके हैं, इसमें 19 नंबर का लगता है, आप देख लीजिए। आगे से ये भी हम बिल्कुल न्यू लगाए हुए हैं। और देख लीजिए आप ये KDS, जैसे कि आप देखिए कि ये KDS 212N है। तो चलिए अब इसका हम सब कुछ फिट कर चुके हैं, अब इसका हम कॉइल दिखाएंगे और कॉइल जो बनाए हुए हैं वे दिखाएंगे, और साथ में इसका वाइंडिंग डाटा भी आप लोगों के सामने शेयर कर देंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों लाइक करें, एक प्यारा सा कॉमेंट करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमें ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो हम आप लोगों का भी सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। और दोस्तों मैं काफ़ी जुगाड़ बनाता हूँ, जो जुगाड़ की मैं आने वाले वीडियो में भी दिखाऊंगा, तो आप लोग धीरे धीरे देखिए। एक साथ मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कई प्रकार का वर्क चलता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए हर समय प्रयास करता हूँ कि सटीक डाटा और सटीक जानकारी दे सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका पंप का अगला हिस्सा है, यहाँ जो लगेगा आप देखिए। अब मैं इसको कंप्लीट रूप से सेट करूंगा, और दोस्तों इसमें 50 MFD का कंडेंसर आपको यूज करना है, और ये सिंगल फेज मोटर होता है, लेकिन दोस्तों इसको हम सिंगल और डबल दोनों में कन्वर्ट करके बनाया हूं। आप सिंगल से भी चला सकते हैं और डबल फेज पे भी चला सकते हैं, पानी दोस्तों काफ़ी देगा। तो चलिए अब इसको सेट करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों किलोस्कर मॉडल नंबर KDS 12N का मैं डाटा बता दे रहा हूँ, ये सिंगल फेज मोटर है, इसको हमने वाइंडिंग किए हुए हैं। तो इसको दोस्तों आपको जो वाइंडिंग करना है तो 4 स्लॉट बीच में छोड़ करके ये 2 पोल का मोटर बनाना है, और ये सिंगल फेज पे भी वर्क करेगा अच्छा। तो दोस्तों इसमें रनिंग और स्टार्टिंग का डाटा मैं बता दे रहा हूँ कि रनिंग में दोस्तों हमने जो वायर गेज यूज किए हैं तो 21.5 नंबर किए हैं, और टर्ने जो दिए हुए हैं तो इसमें 43 टर्न रनिंग में दिए हुए हैं, प्रत्येक 1, 2, 3 चार लच्छी में एक तरफ और 4 लच्छी में एक तरफ, आप जान लीजिए 21.5 नंबर से 43 टर्न देना है रनिंग में। और डबल वायर रहेगा एक साथ कॉपर का, सिंगल नहीं देना है, डबल 21.5 से देना है आपको रनिंग में 43 टर्न। तो 43 दुना आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग का भी डाटा आप लोगों के सामने शेयर कर दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको सिंगल 20.5 नंबर वायर चलाना है, और दोस्तों सेम टर्न देना है, 43 टर्न देना है, और आपका 2 लच्छी इधर से और 2 लच्छी इधर से बनेगा,
और दोस्तों इसका कॉइल का जो गोलाई होगा तो बीच में आप 6 इंची दोनों फर्मे के बीच में रखिए। इसका कोर साइज जो है सो 4 इंची है प्रॉपर, और इसमें 24 स्लॉट है, 2 बीच में एक तरफ से छोटा और 2 बीच में एक तरफ से छोटा छोटा, यानी कि 4 छोटे छोटे खाने। और दोस्तों ये किलास्कर का KDS 12N मॉडल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में हमने आपको इसका वाइंडिंग डाटा वगैरह सब कुछ शेयर कर दिए हैं। इसमें 50 MFD का कैपेसिटर यूज करना है, इसको सिंगल और डबल आप दोनों पे यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं इसमें वायरिंग वायरिंग चेंज कर दिया हूँ, वाटर सील वगैरह चेंज कर दिया हूँ, अब इसको हम उसके अंदर फिट करेंगे और चला करके भी आपको दिखलाऊंगा मैं। तो देखिए अब हम मोटर को प्ले कर रहे हैं, मोटर कितना शानदार चल रहा है। अब आवाज़ भी सुनिए, जरा सा भी चाबू चाबू नहीं कर रहा है। और अभी मैं सिंगल फेस से ही चला रहा हूँ। इधर देखिए एम्पेयर में थोड़ा पानी दे के रखा हूँ ताकि ऑयल सील ना कटे, क्योंकि खाली मोटर चलाने से ऑयल सील कट जाता है। अब मैं आपको बंद करके समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हुए हैं तो आप लोग मेरी बात को ज़रा ध्यान। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि दोस्तों आने वाले हर एक मोटर की वीडियो में आप लोगों को पहुँचा सकूँ और सटीक वाइंडिंग डाटा आप लोगों के सामने दे सकूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपको यूट्यूब पर हर एक मोटर की वाइंडिंग डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों मेरा ही एक ऐसा चैनल है जो कि जो भी मोटर आता है तो मैं उसे तुरंत आप लोगों के लिए डाटा शेयर करने का कोशिश करता हूं, और साथ में उसे मैं चैनल पर डालता हूं ताकि भविष्य में आप लोगों का मदद हो सके। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएँ।